जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन न्यू वीडियो के साथ आया हूं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉम कैलोरीमीटर के ऊपर। तो आप लोगों के बहुत सी बार कमेंट्स आए थे कि सर बॉम कैलोरीमीटर पर वीडियो बनाइए, तो मैं बॉम कैलोरीमीटर पर वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज़ किया है बॉम कैलोरीमीटर को। पहली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल और केवल बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर और उसकी थ्योरी पर। ठीक है, फिर दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉम कैलोरीमीटर का क्या प्रिंसिपल है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, और फिर एंड में हम कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में कैलोरीमीटर क्या होता है। ठीक है, बॉम कैलोरीमीटर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलोरीमीटर क्या है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं या क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ऑलराइट, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी है, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, और भी सारी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बॉम कैलोरीमीटर तो आपको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका एक जो चीज़ है वो है कैलोरीमीटर, कि आखिर में कैलोरीमीटर क्या होता है इसको क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कैलोरीफिक वैल्यू नापते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल की। तो सिंपल से लैंग्वेज में क्या कहना चाहूँगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ कैलोरीमीटर, कि कैलोरीमीटर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं किसी भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल की। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, क्या उसकी यूनिट्स होती है, सारी बातें हमने की है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर देख ले, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू हमारी वो वैल्यू है जब हम कोई फिक्स्ड अमाउंट में, क्या जब हम कुछ जला रहे हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं ये बोल सकता हूँ, बाकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना यहाँ से। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब मेरा डिस्कशन है किसके ऊपर, बॉम कैलोरीमीटर। तो बॉम कैलोरीमीटर क्या है, हमने अभी देखा कैलोरीमीटर क्या है। ठीक है, तो बॉम कैलोरीमीटर की हम बात करेंगे तो ये क्या कैलोरीमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप का, क्लियर है, जिसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए, हीट ऑफ कम्बशन को नापने के लिए। मीन्स क्या लिखा है यहाँ पर, ए बॉम कैलोरीमीटर इज़ ए टाइप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। क्या मींस, जो बॉम कैलोरीमीटर है उसके अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, सो और इसका हम यूज़ करते हैं हीट ऑफ कम्बशन को मेजर करने में, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कितनी हीट इवॉल्व हुई है उसको मेजर करने के लिए हम बॉम कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात अगर हम करें कि इसका यूज़ हम एंथैल्पी मेजर या एंथैल्पी चेंज के लिए भी करते हैं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर कुछ हीट इवॉल्व हो रही होगी। ठीक है, उसके अंदर कुछ कम्बशन रिएक्शन हो रही होगी किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसके अंदर जो एंथैल्पी में जो चेंज आया है उसको भी मेजर करते हैं हम किसकी मदद से, बॉम कैलोरीमीटर की। ऑलराइट, मेरे ख्याल से बेसिक सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात कर रहे हैं अब बिल्कुल बेसिक, एक बार रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर या कौन कौन से छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर हमारा बॉम कैलोरीमीटर बनता है। ठीक है, तो जो बॉम कैलोरीमीटर है हमारा कंसिस्ट करता है क्या, स्मॉल कप जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सैंपल को रखता है। अभी मैं जब आपको पिक्चर्स शो करूँगा तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक स्मॉल कप रहता है जिसके अंदर हम सैंपल रखते हैं। ऑलराइट, फिर ऑक्सीजन हमारे पास होना चाहिए, एक स्टेनलेस स्टील बॉम्ब होना चाहिए। अब बॉम्ब क्या होता है, एक कंटेनर शेप को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बॉम्ब बोल रहे हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर होगा या क्लोज्ड सिलेंड्रिकल जैसा भी हो, उसको हमने बॉम्ब बोला है। ऑलराइट, वाटर होना चाहिए। स्टीरर, स्टीरर क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे या जब वर्किंग पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, थर्मोमीटर कि थर्मोमीटर कौन सा यूज़ करते हैं हम, थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर नापने के लिए कि उसके अंदर कितना चेंज आया है टेम्परेचर में। ऑलराइट, बाकी ये बेसिक सी चीज़ें जो हमारे काम की अभी नहीं है। क्लियर है, तो ये ओवरव्यू मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बेसिक बेसिक बात कर देता हूँ डिटर्मिनेशन के ऊपर कि बॉम कैलोरीमीटर से हम कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेसल ले रहे हैं हम जिसको टाइट स्क्रू कैप से हमने पैक किया है। ये एक वेसल थी और इसके अंदर टाइट स्क्रू कैप लगा दिया, समझ गए हैं आप लोग। दूसरा बात करेंगे हम, फिर हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, ये देख पा रहे होंगे आप, ये दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और इन दोनों को एक दूसरे से प्लेटिनम वायर की मदद से ज्वाइन किया है। पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि ये दो इलेक्ट्रोड थे, दोनों को हमने ये प्लेटिनम वायर से कनेक्ट किया है। ऑलराइट, जब जिस कप की मैंने बात करी थी वो कप ये यहाँ पर दिया है, ये कप, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल रखते हैं। सैंपल कौन सा होगा हमारा, जनरली हम बात करेंगे सॉलिड की या फिर लिक्विड की। ऑलराइट, फिर हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट, अब क्या किया, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इज टेकन इन प्लेटिनम। ये जो क्या है हमारा प्लेटिनम का कैप है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हमने डाल दिया जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है या जिसकी हमें स्टडी करना है। ऑलराइट, तो ये बेसिक थी बात थी। पहले क्या किया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, हमने एक वेसल ली जिसका टाइट स्क्रू कैप है, ठीक है, फिर दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, दो इलेक्ट्रोड लिए हमने, एक ये और एक ये, दोनों को एक दूसरे से प्लेटिनम वायर की मदद से कनेक्ट किया है और एक कैप है, कैप किसका है, प्लेटिनम कैप है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का सैंपल उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस का सैंपल इसके अंदर हम लोग रख रहे हैं। ऑलराइट, फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो वेसल है उसको हमने उसके अंदर ऑक्सीजन फिल कर दी, मीन्स इस वेसल के अंदर हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डाल दी और जो ऑक्सीजन हमने इसमें फिल करी किस टेम्परेचर पे, 20 to 25 ATM पर। क्लियर है, और उसके बाद में उसको हमने क्या कर दिया, स्केल किया, इसको हमने नाप लिया, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर कंटेनर के अंदर क्या किया हमने, फिल कर दिया। ऑलराइट, इस टेम्परेचर के हिसाब से। फिर हम बात करेंगे, अब इस यहाँ तक जो हमारी चीज़ बनी है ये ओवरऑल, इसको पूरे को उठाकर हम क्या कर दे रहे हैं, एक वाटर के टब में रख दे रहे हैं। तो देखो ये इतना सैंपल में, ये चीज़ मैं पहले बना चुका था डिटर्मिनेशन के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, इस सब को उठा के मैंने एक वाटर टब में डाल दिया, इसमें पानी भरा है, ठीक है, और क्या किया, इसको हमने एक इंसुलेटेड वाटर टब में डाल दिया जिसके अंदर मैकेनिकल स्टीरर है। अब स्टीरर क्या है, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, स्टीरर हमारा है जिससे कि क्या हो, वाटर यूनिफॉर्मली हीट हो, मीन्स स्टीरर क्या है, मैकेनिकली स्टीरर है, मतलब ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा, ये जो वाटर है हमारा हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली क्या हो, हीट हो। ऑलराइट, और ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं बेकमैन्स थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, थर्मोमीटर है ये, और इस थर्मोमीटर का नाम है क्या, बेकमैन्स थर्मोमीटर। ऑलराइट, इसका यूज़ क्यों किया हमने, टेम्परेचर को नापने के लिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आया है उसको नापने के लिए। क्लियर है बात, और ये तो आप समझ ही गए होंगे, वाटर टब है पूरा, एंड मेरे ख्याल से सारी बातें अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और डिटेल में बॉम कैलोरीमीटर को पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।